Bum! Ball Bum! Ball Bum! Ball Bum! Ball Bum! Ramjakaya Bum Bum Maha! हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है एक और नए अपडेट के साथ और नई जानकारी के साथ। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारा जो है सवाल आ रहा है कि कांवरिया पथ में अगर कांवर यात्रा करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी सवाल ये आ रही है कि जो है डाक बम की यात्रा कैसे करें, और डाक बम की जो है मतलब तैयारी कैसे करें, मतलब अगर यात्रा करना है जो डाक बम वाले हैं उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आज जो है इन्हीं बातों पर चर्चा होगी, और ये भी देखा जाएगा कि जो है इस वीडियो में आप सभी को ये भी जानकारी मिल जाएगी कि सावन मेला की जो है तैयारी शुरू हो रही है या नहीं, या फिर कांवरिया पथ पर अभी जो है काम हो या रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो लगातार जो है बने रहिए सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा में, जो हर एक साल बाबा धाम जो है डाक कांवर के रूप में जाते हैं उनको तो दोस्तों जानकारी रहती ही है, हर बार की जो है कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहता है एक तरह से महादेव भक्ति का। तो आज हम बात करेंगे कि अगर इस बार 2024 की सावन मेला में और यात्रा में, बाबा धाम की यात्रा में अगर आना चाह रहे हैं डाक बम के रूप में, डाक कांवर के रूप में, तो दोस्तों अभी मान लिया जाए 2 महीने बाकी है, तो दोस्तों 2 महीने पहले ही आप जो है अपना जूता चप्पल जो है छोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि लगातार जो है ना जो बोलबम कांवर यात्रा जाते हैं पैदल यात्रा में, वो तो रुक रुक कर जाते हैं, खाली पैर तो जाना ही होता है, वो रुक रुक के जाते हैं, आराम करते हुए जाते हैं, विश्राम करते हुए जाते हैं। लेकिन अगर आप डाक कांवर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो है अभी से जूता या चप्पल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो है आप पहने हैं, मतलब कहीं अगर मार्केट जा रहे हैं तो ज़रूरती समय पर पहन सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत हो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें जूता चप्पल छोड़ने का, क्योंकि आपको उस वक्त बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अभी से आदत रहेगा खाली पांव चलने का, तो उस वक्त जो है आपके पैर में छाले नहीं पड़ने की संभावना रहेगी, और आदत रहेगी आपको लगातार चलने का। और कांवरिया पथ की बात करें, जो तैयारी हो रही है तो वो अभी नहीं हो रही है, सावन के यानी 1 महीने पहले जो है शुरू होती है, आषाढ़ महीने से, उसकी भी जानकारी आप सभी तक पहुंचता रहेगा। लगातार जो है हम कांवरिया पथ पर आप सभी को जानकारी देते रहते हैं, और अभी भी जो है हम कांवरिया पथ के बगल में ही हैं, और देख पा रहे हैं पीछे, देख रहे हैं यहाँ जलेबिया का जो है कांवरिया पथ है, और इसी जगह पर ये बड़ा सा जो पेड़ है इधर में जो है सावल 2 लाख जो बाबा है यहाँ पर जो है हम आए हैं और आप सभी को अपडेट देने के लिए। तो लगातार जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहे, आप सभी को बाबा धाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है मिलता रहेगा और मिलता भी रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज का एक छोटा सा अपडेट था डाक बम को लेकर के और बोल बम को लेकर के। और वैसे दोस्तों, लास्ट वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानकारी देते हैं कि इस बार जो है श्रावणी मेला होगी वो 22 जुलाई से शुरू होने वाली है, और पहला जो है दिन होगा वो सोमवार का ही होगा, और सावन की शुरुआत दोस्तों सोमवार से ही होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा महीना का जो स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं कि अच्छे दिन यानी कि महादेव वाले दिन सोमवार से ही होने वाला है। और दोस्तों दूसरी बात बताएं, आप सभी जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर की जो है ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो हम जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी की सहायता के लिए संपर्क सूत्र दिया गया है, जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर डाला गया है, वहाँ पे जाके सीधा जो है आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अगर जो भक्त वहाँ से नहीं ले पाते हैं तो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे साइड में आपको ये नंबर मिल जाएगा, आप सीधा हमें व्हाट्सएप करें, और जो है जो भी आपका सवाल हो हमें व्हाट्सएप करें, हम आप सभी के सवालों का जवाब अवश्य देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को कांवरिया पथ जलेबिया से।